इसी के साथ समय हो गया है खबर दुनिया का और आप देख रहे हैं तमिलनाडु से जुड़ी हुई खबरें। तमिलनाडु से जो मामला सामने आया है उसने पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तुतिकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता बेटे की जो मौत का मामला है उसमें अब हजारों बड़ी हस्तियां इसको लेकर जस्टिस की मांग कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, रितेश देशमुख, वीरदास और कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इस घटना को अमानवीय बताते हुए जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले में आपको बता दें कि एक गांव में पिता पुत्र की कथित तौर पर पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उनकी जो मौत का मामला सामने आया इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल हो रहा है। हजारों लोग ने सोशल मीडिया पर न्याय की मांग की है। तुतिकोरिन जिले में पुलिस ने 19 जून को लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर इस पिता पुत्र को हिरासत में लिया था। पी जयराम और उनका बेटा बिनिक्स मोबाइल की दुकान चलाते थे। बाप बेटे को 23 जून को हिरासत में लिया गया था और आपको बता दें इसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस स्टेशन में उनको बुरी तरह से मारा गया है और इसीलिए उनके पति की और बेटे की मौत हुई। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर न्याय की मांग की जा रही है और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने न्याय की मांग करते हुए ट्वीट किया है कि बहुत हो गया, हम फुर्सत में बैठकर इंसाफ की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ऐसी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।